सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रिसेंटली रिलीज और हिंदी डब हुई 8 सबसे धमाकेदार मूवीज को। इस लिस्ट के अंदर आपको एक से बढ़कर एक कमाल की एक्शन, कमाल की एडवेंचर, कमाल की थ्रिलर मूवीज देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की बात, इस लिस्ट की सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 8 की मूवी है द कमिनियन गर्ल, जो कि 23 साल 2022 में एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है सारा नाम की एक लड़की की, जो कि एक रात एक नाइट क्लब से अपने घर वापस आ रही होती है। और रास्ते में इसको मिलती है एक डोल, जिसको ये अपने साथ अपने घर ले आती है। और डोल के साथ आती है एक बहुत ही बुरी आत्मा। और आत्मा आने के बाद सारा और इसकी फैमिली के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। मूवी को रेटिंग में 5.3 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द मार्वल्स। ये मूवी आई थी साल 2023 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है 3 फीमेल सुपर हीरोज की, जिनको एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े खतरे से पूरे यूनिवर्स को बचाना है। आखिर वो खतरा क्या है, किससे, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.6 out of 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है 60 मिनट्स। यह मूवी आई है साल 2024 में। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है ओक्टा नाम के एक फाइटर की, जिसको किसी भी हाल में अपनी बेटी के पास 60 मिनटों के अंदर अंदर पहुंचना है। और उन 60 मिनटों में आपको इतना तगड़ा ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। और मूवी के अंदर आपको ढेर सारी गालियां भी सुनने को मिलेगी, जिस वजह से इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.7 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है गोस्ट डेड। ये मूवी आई थी साल 2023 में। एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कौन नाम के एक बहुत ही सीधे साधे आदमी की, जिसकी मुलाकात एक दिन सेडी नाम की एक लड़की से होती है। और कॉल सेडी के प्यार में पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं। दोनों के बीच सब कुछ होता है, बट कॉल शोक में पड़ जाता है जब इसको पता चलता है सेडी एक सीक्रेट एजेंट है। और दूसरी डेट से पहले ये दोनों निकल जाते हैं एक इंटरनेशनल मिशन को पूरा करने के लिए। और वो इंटरनेशनल मिशन क्या है और उसी बीच आपको कितना एक्शन देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में एप्पल टीवी पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.8 out of 10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। ये मूवी भी आई थी साल 2023 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। और ये मूवी एक्वामैन मूवी का सेकंड पार्ट है। और इस मूवी की कहानी ठीक पार्ट 1 को कंटिन्यू करती है। और इस बार इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है पहली मूवी के विलन की, जो कि अब दोबारा से वापस आ चुका है, वो भी बहुत ही पावरफुल शक्तियों के साथ। इतनी पावरफुल शक्तियों और टेक्नोलॉजी के साथ ये वापस आया। एक्वामैन की शक्तियां भी इसके आगे फीकी है, तो किस तरह एक्वामैन इसका मुकाबला करता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में बुक माई शो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.0 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है टारगेट। इस मूवी को हाल ही में बुक माई शो पे रिलीज किया गया है। ये क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है सुह नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एक रैंडम सेलर से ऑनलाइन एक वॉशिंग मशीन खरीदती है। पर वो वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से खराब कचरा होती है, यानी कि सुह के साथ स्कैम हो जाता है। और ये उस सेलर के खिलाफ पुलिस केस कर देती है, बट इसको ये नहीं पता होता वो सेलर एक साइको सीरियल किलर है। और पुलिस केस होने के बाद किलर सुह के पीछे पड़ जाता है। और आगे किस तरह सुह किलर से अपनी जान बचाती है, सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.5 out of 10 IMDb पर। हमारे नंबर 2 की मूवी है द प्रिजन। यह मूवी आई थी साल 2017 में। एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक एक्स डिटेक्टिव की, जिसको एक हिट एंड रन केस में जेल भेज दिया जाता है। और जेल में पहुंचने के बाद इसको पता चलता है जेल के अंदर एक किंग है, मतलब कि एक क्रिमिनल बॉस है, जो कि पूरे जेल पे अपना कंट्रोल रखता है। सारे कैदी उससे डरते हैं, उसके नाम से भी कांपते हैं। और अब अपने डिटेक्टिव को जेल में अच्छे से रहने के लिए, रोला जमाने के लिए, किसी भी हाल में किंग से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो आगे कहानी में क्या कुछ होता है, किस तरह ये किंग से दोस्ती करता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेट 6.5 out of 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट मूवी की ओर। और हमारी लास्ट मूवी है बैडलैंड हंटर्स। like
यह मूवी आई है 2024 में, एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड की, जहाँ पे लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। खाने पीने की चीजों के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे में हमारी मूवी के हीरो के भतीजे की लवर को कुछ ऐसे लोग उठा के ले जाते हैं जो कि सुपर ह्यूमन है, जिनको आप किसी भी तरह मारने की कोशिश करो लेकिन वो मरेंगे नहीं। तो ऐसे में हमारी मूवी के हीरो क्या कुछ करेंगे, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसके अंदर आपको भर भर के ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। मूवी के अंदर आपको इतना ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा, इसे देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.0 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। सो गाइज, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।